हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग टॉप 500 ग्रामर रूल सीरीज़ पार्ट 5 करने जा रहे हैं। इससे पहले फोर्थ पार्ट तक डाला जा चुका है वीडियो, और सारे के सारे रूल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पहले जाकर प्रीवियस वीडियो देखिए और सारे रूल को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हर एक रूल से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन SSC में पूछे गए हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी PDF फॉर्म चाहिए होगा अगर ग्रामर रूल का, तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं रूल। देखिए, सबसे पहला रूल है वुड रैदर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस देन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये सीक्वेंस है वुड रैदर के लिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या आया है। ये CGL SSC CPO PT 2017 का क्वेश्चन है। आई वुड रैदर टू डाई देन बेग, या फिर डी में नो एरर है। तो देखिए, आई वुड ए ऑप्शन है, रैदर टू बी है, ये सी है और ये डी है। इसमें बोला, पूछा गया था कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए, वुड रैदर के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो वुड रैदर के बाद यहाँ पर क्या दे दिया है, टू दे दिया है, नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वुड रैदर के बाद डाई क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देन बेग क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर टू अननेसेसरी है, इसको नहीं देना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। हिज फादर वुड रैदर डाई देन टू बेग फ्रॉम डोर टू डोर, इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ये SSC MTS 23/2/2014 को क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, वुड रैदर के बाद डाई V1 है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। वुड रैदर के बाद हम लोग को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, देन चाहिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, मगर यहाँ पर टू आ गया है, तो ये भी एरर है। तो ये किस पार्ट में एरर हो गया, बी पार्ट में एरर हो गया। देखिए, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है। ठीक है, तो बी पार्ट में आपका एरर हो गया, यहाँ भी टू अननेसेसरी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। आई वुड रैदर सिंग देन डांस, तो यहाँ पर सिंग क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वुड रैदर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन फिर डांस क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ये क्या हो गया, ये 100% सही हो गया, इसमें कोई एरर नहीं है। तो देखिए, एकदम साफ के साफ रूल पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2017 में भी क्वेश्चन इससे पूछा गया, हालांकि हम एक ही एग्जाम्पल पिक किए हैं। 2017 में चार क्वेश्चन वुड रैदर से पूछा गया है टोटल। रूल नंबर 12 देखिए, हैड बेटर, हैड रैदर और हैड सूनर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी वुड रैदर की तरह ही है, मगर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पर वुड रैदर के साथ लग रहा था, यहाँ पर हैड बेटर, हैड रैदर और हैड सूनर के साथ भी क्या लगेगा, V1 देन प्लस V1। तो देखिए, यू हैड बेटर, गो क्या है, V1 है, देन स्टे क्या है, V1 है, तो ये क्या है, करेक्ट है। तो इसी तरह इस पर क्वेश्चन करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रूल देखते हैं। रूल नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो आप बोल सकते हैं ग्रामर का, जो SSC के लिए फेवरेट होता है ये। तो देखिए, इसमें एक्चुअल में होता है द रीजन, क्या होता है द रीजन, या फिर द रीजन वाई, ये होता है एक्चुअल में, ये होता है। तो देखिए, रीजन के साथ कभी भी ड्यू टू, ओनिंग टू, बिकॉज, या फोर्थ क्या होता है, बिकॉज ऑफ, क्या होता है, बिकॉज ऑफ, ये सब कभी भी नहीं आते हैं। अगर सेंटेंस में रीजन दिया हुआ है कहीं भी, तो ड्यू टू, ओनिंग टू, बिकॉज और बिकॉज ऑफ कभी भी नहीं आएगा। रीजन के साथ क्या आता है, कंजंक्शन, डेट का इस्तेमाल होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द रीजन प्रिया वॉज लेट टू द मीटिंग इज बिकॉज हर फ्लाइट वॉज डिलेड। ठीक है, ये SSC CGL Tier 1 2017 में पूछा गया था। डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि द रीजन के पास बिकॉज नहीं आता है, तो क्या हो गया, बिकॉज यहाँ पर नहीं हो गया, बी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिडेंट स्टडी एट ऑल, या फिर नो एरर है। तो देखिए, इसमें SSC CGL Tier 1 2017 का ये क्वेश्चन है। द रीजन आप देख लिए कि द रीजन है, द रीजन के साथ बिकॉज, ड्यू टू, ओनिंग टू नहीं आता है, तो यहाँ पर बिकॉज क्या होगा, नहीं होगा, तो इसमें बी पार्ट में ये भी एरर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, SSC CGL 2016 में एक क्वेश्चन आया है। द रीजन फॉर माई एबसेंस इज ड्यू टू इल हेल्थ, या फिर नो एरर है। तो आप सी पार्ट में देखिए, ड्यू टू दिया हुआ है, द रीजन के बाद कभी भी ड्यू टू, ओनिंग टू, ये सब का इस्तेमाल नहीं होता है, तो सी पार्ट में एरर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रीजन जेनेट केम ड्रेस्ड एज लेडी गागा वॉज बिकॉज सी
डिड बीन टोल्ड इट वॉज ए कॉस्ट्यूम पार्टी, तो द रीजन के साथ यहाँ पर क्या नहीं आएगा, बिकॉज नहीं आएगा। आप डायरेक्ट अगर आपको रूल पता हो तो आंसर आप मार सकते हो। ये एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, द रीजन वाई ही इज एबसेंट इज डैट हैज़ फॉलन इल। देखिए द रीजन के पास यहाँ पर डैट आ गया कंजंक्शन, ये सही है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ईएसआईसी में पूछा गया था। तो देखिए इसमें 5 एग्जाम्पल हम लिए हैं रीजन का, 2 इस पेज में और 3 इस पेज में। और देखिए 17 में इस रूल से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 में सिर्फ। तो हम 2 पिक किए हैं। आप देख सकते हो जब 2017 का सीजीएल का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि द रीजन पर कितना क्वेश्चन आया 2016 में, 2015, 14। आप किसी भी साल पिक कर लो, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट रूल है ये। तो आप इसको क्या कर सकते हो, रट लिख सकते हो, रट लो मतलब मीन्स याद कर लो पूरी अच्छी तरह से। ये रूल पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 14 देखते हैं, सुपीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, एंटीरियर, ठीक है। जितना भी ओ आर, जितने में भी ओ आर लगा होगा लास्ट में, इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आएगा। क्या आएगा, टू आएगा, देन नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देन दे देते हैं प्रीपोजिशन। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जितने भी सेंटेंस जो सुपीरियर ओ आर, जो लास्ट में ओ आर लगा हुआ है, तो इनका प्रीपोजिशन क्या होगा, टू होगा, देन नहीं होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 2017 में क्या पूछा गया है। राम इज सुपीरियर देन श्याम इन हिज विजन ऑफ करप्शन फ्री इंडिया, एसएससी स्टेनियो 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो राम इज सुपीरियर, सुपीरियर के साथ यहाँ पर देखे ओ आर है, यहाँ पर देन नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। रोहित इज 2 ईयर जूनियर देन मुकेश इन द ऑफिस, या फिर नोयर, एसएससी सीजीएल टायर 1 2017 में पूछा गया। तो आप डायरेक्ट देखे जूनियर, जूनियर के बाद यहाँ देन प्रीपोजिशन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 15। तो देखिए पिछला जो आपको रूल बताएं वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट चल रहा है। तो आप प्लीज़ रूल को एक कॉपी में नोट डाउन करते चलो। देखो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका रूल ख़त्म होते चला जाएगा। आज ये 4th पार्ट है और आज हम लोग 15 रूल कर लिए, लगभग 15 रूल कंप्लीट होगा आपका। इसके बाद क्या होगा, 15 से 16 रूल आज कर लेंगे, तो आप पता भी नहीं चला और 1 महीना में आपका पूरा ग्रामर का लगभग हम घींच देंगे, पूरा रूल ही ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए देखिए प्रीफर के साथ क्या आता है, टू आता है हमेशा। प्रीफर, प्रिफरेबल, जितने भी प्रीफर से रिलेटेड शब्द हैं सबके साथ टू प्रीपोजिशन आता है, देन नहीं आता है। तो देन क्या होगा, देन देकर क्वेश्चन में दिया जाता है। आई प्रीफर वॉकिंग, यहाँ पर क्या होगा, प्रीफर के साथ क्या आता है, टू। प्रीफर वॉकिंग टू जॉगिंग बिकॉज आई एंजॉय टू जनरल एक्सरसाइज वॉकिंग मच मोर देन जॉगिंग। तो देखिए हम आपको पहले बताए हैं कि प्रीफर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है, तो यहाँ प्रीफर वॉकिंग टू होगा, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स एसएससी सीपीओ पीटी 2017 में दिया हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन संडे आई प्रीफर रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल टायर 1 2017। तो आपको क्या बताया, जब आप प्रीफर सेंटेंस में देख लो तो इसका प्रीपोजिशन हमेशा टू होगा, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देन, इसको काट दो और यहाँ पर क्या होगा, टू, सी पार्ट में एरर है, ठीक है। चलिए रोल नंबर 16 देखते हैं, स्कार्सली एंड हार्डली। देखिए स्कार्सली के साथ और हार्डली के साथ क्या होता है, वेन या बिफोर आता है। देन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं कभी भी, क्वेश्चन में देन लगाकर दिया जाता है। तो देखिए कैसे होता है, हार्डली हैड आई रिच, आपको हार्डली पर एक पहले भी हम रूल बता चुके हैं कि हार्डली का एक पहले भी रूल बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए हार्डली हैड आई रीच द एग्जामिनेशंस वेयर आई लर्नड अबाउट द मेजोरिटी रॉबरी। तो हार्डली के साथ हम क्या बोले आपको, हार्डली के साथ वेन आता है, यहाँ वेयर दे दिया है, तो ये क्या है, गलत होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेन। हार्डली हैड आई रीच द एग्जामिनेशंस When I learnt about the majority robbery, SSC CGL PT 2017 का क्वेश्चन है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चल रहा है। Hardly had, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Hardly had he left the स्टेडियम
देन इट बिगेन टू रेन हैवली। CPOPT 2017 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देन क्या होगा, देन नहीं होगा। देखिए क्या होता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि देन देकर क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए। बहुत सारे बुक में ये तो दे देते हैं कि वेन, मगर बिफोर बहुत सारे में नहीं दिए रहते हैं। तो क्वेश्चन में आप याद रखिएगा, हार्डली और स्कार्सली से क्वेश्चन पूछा गया, तो प्रीपोजिशन हमेशा, इसका कंजंक्शन, आपको हमेशा कंजंक्शन जो है वेन और बिफोर आएगा, ना कि देन आएगा। इसका हमेशा कंजंक्शन वेन या बिफोर आएगा। तो आप देखो देन की जगह क्या लिख दोगे, वेन। क्या हो गया, वेन हो गया। ठीक है, इस पर करते हैं 16। ठीक है, स्कार्सली और हार्डली के साथ क्या आता है, वेन या बिफोर आता है, देन नहीं आता है। क्या आता है, स्कार्सली और हार्डली के साथ वेन आता है या बिफोर आता है, देन नहीं आता है। तो देन को हम लोग क्या किए, काट दिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पर। हार्डली हैड आई रिच द एग्जीबिशन वेयर आई लर्नड अबाउट द मेजोरिटी रॉबरी, या फिर डी में नन एरर है। SSC CGL PT 2017 में पूछा गया है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछे देखे थे कि हार्डली के साथ क्या आता है, वेन आता है या बिफोर आता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेयर दिया हुआ है, इसके जगह क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा। इसमें क्या आंसर है, किस पार्ट में एरर होगा, तो बी पार्ट में एरर है। देखिए ए बी सी और नन ऑफ दिस, नो एरर होता है डी पार्ट में। तो इसमें एरर किस पार्ट में था, ये बी पार्ट में था, SSC CGL PT 2017। और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है विदाउट गैप। तो ठीक है समझे, इसको आप एक तरह से आप बाय हार्ट कर लो, मतलब लर्न कर लो, अच्छी तरह से याद कर लो एकदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्डली हैड ही लेफ्ट द स्टेडियम देन इट बिगैन टू रेन हेवनली। देखिए हार्डली हैड ही लेफ्ट पार्ट ए है, द स्टेडियम देन इट बिगैन पार्ट बी है, इट रेन हैवेली सी है, और नो एरर डी है। तो द स्टेडियम के बाद यहाँ पर देन दिया हुआ है, देन नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ पर होगा वेन होगा। ठीक है, ये CPOPT 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल देन द बम एक्सप्लोडेड एंड द सैटर्ड द हॉल कम्प्लीटली। तो देखिए हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द ए पार्ट है, सिनेमा हॉल देन द बम एक्सप्लोडेड बी पार्ट है, एंड द सैटर्ड द हॉल कम्प्लीटली सी पार्ट है, और नो एरर डी पार्ट है। ये CPOPT 2017 में पूछा गया था किस पार्ट में एरर है। तो देखिए हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल, देन आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको पता है कि कंजंक्शन क्या लेता है, हार्डली क्या कंजंक्शन लेता है, वेन लेता है। हार्डली क्या कंजंक्शन लेता है, वेन लेता है, या फिर बिफोर लेता है। तो यहाँ पर देन की जगह क्या कर दोगे आप, वेन कर दोगे। तो बी पार्ट में आपका एरर था। आप देख सकते हो कि सिर्फ हम 3 से 4 सेट देखे थे, उसमें 3 क्वेश्चन मुझे मिल गया था। तो आप ये, आप एक तरह से जब आप पूरा सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर 230 सेट है लगभग टोटल, 1997 से लेकर, अगर उससे भी पीछे जाओगे तो 1986 का भी क्वेश्चन है मेरे पास। तो 1986 से लेकर अभी तक का जितना भी क्वेश्चन है, उसमें हर साल विदाउट गैप हार्डली और स्कार्सली से क्वेश्चन आता है। नो सुनर हार्डली स्कार्सली, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको, मतलब कि इसको देखते ही बिना किसी पेन को रुके हुए आपको आंसर मार देना होगा। आपको पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ना चाहिए, हार्डली के बाद आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसका कंजंक्शन क्या होता है, इस पर कौन कौन सा रूल होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जितने भी रूल बताए हैं उसको ध्यान से पढ़िए, और साथ साथ में मैथ भी करते रहिए, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हेल्प मिल सके। बहुत लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करते होंगे, तो उनको भी ये हेल्प, उनके लिए भी हेल्प